दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर रियल में देखा जाए तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स बहुत अधिक तकलीफों, मुश्किलों और समस्याओं में जी रहे हैं। इन्हीं सबको तो अपने जीवन से खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए उसने लिए हैं ऑन पैसिव का फाउंडर पोजिशन एंड ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन, और उन्हें 100% भरोसा भी है कि एक दिन ऑन पैसिव हमारे जीवन के सारी समस्याओं, सारे तकलीफों, सारे मुश्किलों और परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और फिर हम अपनी च्वाइस का लाइफ जीने लगेंगे। हम जो भी चाहेंगे अपनी जिंदगी में हासिल करना, वो सब कुछ होगा हमारे पास। सुख समृद्धि, नाम शोहरत, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, सब कुछ होगा हमारे पास। बस इसीलिए हर एक फाउंडिंग मेंबर्स अपनी पलके बिछाए बड़ी बेसब्री से राह देख रहा है, इंतजार कर रहा है अपनी सफलता के शुरुआत होने का। यह खूबसूरत पल जल्दी से जल्दी आए हमारे जीवन में, बस यही उसकी हार्दिक इच्छा और लालसा है। रोज रात को वह यही उम्मीद लिए सोता है कि ऑन पैसिव से कल हमें जरूर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और रोज सुबह यही उम्मीद लिए जागता है कि आज हमारे सक्सेस शुरू होने से रिलेटेड जरूर कोई बेहतर गुड न्यूज मिलेगा, और यही उम्मीद लिए वह 2-3-4 सालों से धैर्य रखते हुए, सब्र करते हुए, इंतजार करते हुए आ रहा है। जैसे ही सीईओ मिस्टर एस के द्वारा, किसी भी इंटरनेशनल वेबिनार्स के द्वारा कोई न्यू अपडेट्स मिलता है या कोई अनाउंसमेंट होता है फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस शुरू होने से संबंधित, तो अत्यधिक खुशी के मारे उनके रोम रोम प्रफुल्लित होने लगते हैं। उनका मन रोमांच से भरने लगता है, वे उत्साह से भर जाते हैं ये सोचकर कि इसी हफ्ते या इसी महीने से हमारे सब्र का फल मिलना शुरू हो जाएगा, हमारे सफलता का शुभारंभ हो जाएगा। और जब किसी तय समय सीमा पे वैसा कुछ नहीं हो पाता है तो उनका मन सीधे आसमान से जमीन पे गिर जाता है। और अब तो कुछ इस तरह से होते होते उस सलाद पे पहुंच गए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स कि अब सीईओ मिस्टर एस के द्वारा किसी वेबिनार के माध्यम से सक्सेस शुरू होने से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट्स भी मिलता है या कोई अनाउंसमेंट भी होता है तो पहले के जैसा उनके रोम रोम प्रफुल्लित नहीं होते हैं, उनका मन रोमांच से नहीं भरता है। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब सफलता शुरू होने से रिलेटेड अपडेट्स मिले हैं, अनाउंसमेंट हुआ है, बट वैसा कुछ भी हो नहीं सका है। अब चाहे इसके पीछे की वजह जो भी हो, अब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स का यही कहना है कि जब तक हमारे वैलेट में एपल्स आने नहीं लगेंगे, हमें यह विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे सक्सेस का शुरुआत हो गया है। अब एपल्स मिलने के सिवा चाहे कितने भी बड़े अपडेट्स मिले, कितने भी बड़े से बड़े अनाउंसमेंट हो, उससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने किसी भी जरूरत या सपनों को पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बड़े से बड़े अपडेट्स मिल जाने या अनाउंसमेंट हो जाने से रत्ती भर भी किसी के कोई जरूरत या सपने नहीं पूरे होने वाले। दोस्त, इन सब मुद्दों पर बहुत सारे फाउंडर्स मित्र हमसे बात करते रहते हैं। उनका बस यही कहना होता है कि सीईओ मिस्टर एस एक जिम्मेदार इंसान है, उनके कंधों पर लाखों लोगों के जिंदगी बदलने, सपने पूरे करने एंड फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने की जिम्मेदारी है। जिसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर लाखों लोगों के अटूट विश्वास और भरोसा हो अपनी जिंदगी बदलने का, अपने सारे सपनों के पूरे होने का, वह इंसान बड़ी नाप तोल कर, बड़ी सोच समझ कर, खूब अच्छी तरह से सोच विचार कर कोई भी बात अपनी जुबान से कहेगा, क्योंकि उसके द्वारा कहे गए एक एक शब्दों पर ध्यान भी रहेगा और विश्वास भी रहेगा लाखों लोगों का। अगर उसके कथनी और करनी में एकाध बार फर्क रहे तो खींच खाँच के चल भी जाएगा ये सोचकर कि चलो कुछ खास वजहें हो सकती हैं इसके पीछे, बट ऐसा अगर बार बार कई बार फर्क पड़ने लगे कथनी और करनी में, तो जाहिर सी बात है कि किसी के भी उसके प्रति विश्वास और भरोसा कम होने लगेगा। मिस्टर एस अगर अभी और 2-4-5 साल बाद हमारे सफलता का शुरुआत करना चाहे तो वे बेशक कर सकते हैं ऐसा। हम उनकी बातों पे विश्वास भरोसा करके 2-4-5 साल और धैर्य रख लेंगे, सब्र कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे। 2-4 साल पहले से हम इंतजार करते आ ही रहे हैं, आगे भी 2-4 साल और इंतजार कर लेंगे। लेकिन वे जो भी कुछ होने का अनाउंसमेंट करें, उसे किसी भी हाल में पूरा करें, वरना कोई अनाउंसमेंट ही ना करें। उनके प्रति बहुत अधिक आदर और सम्मान है हमारे दिलों में। उनके द्वारा दिया गया जुबान, उनके द्वारा किया गया कमिटमेंट अगर बार बार टूटेगा, इससे हमें बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि उन पे हमने अपनी जान से भी बढ़ के विश्वास और भरोसा किया है। वे जब सब कुछ हम लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ही कर रहे हैं, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं, हमारे ही जिंदगी बदलने और हमारे सारे संजोए सपनों को पूरे होने के लिए कर रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हर परिस्थिति में उनके साथ पूरे दिल से खड़े रहें। हम उनके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। यह दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें ऊपर वाले की कृपा के वजह से मिल पाया है। हम इससे दूर रहकर कभी जीने के बारे में कल्पना तक भी नहीं कर सकते। हमारी तो बस इतनी सी चाहत है सीईओ मिस्टर एस से कि अगर वे कोई भी वचन दें, उसे किसी भी हाल में पूरा करें, क्योंकि लाखों लोगों का भरोसा है उन पर। उनके द्वारा कहे गए एक एक शब्दों से हमारे अंदर उत्साह और उमंग का संचार होने लगता है।
जैसे ही वे हमारी सक्सेस शुरू होने का कोई अनाउंसमेंट करते हैं, सभी कल्पनाओं की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, अपने जीवन के लिए आगे की बहुत सारे प्लानिंग करने लगते हैं, बहुत सारे एपल्स आने लगेंगे, तो ये करूंगा, तो वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। किसी भी अनाउंसमेंट को सुनकर वे अनगिनत ख्वाब बुनने लगते हैं, और जब उस किए गए अनाउंसमेंट के अनुरूप कुछ नहीं होता है तो उसके बाद की फीलिंग कैसी होती होगी फाउंडिंग मेंबर्स के, क्या इसे कोई लीडर्स या मिस्टर एस महसूस नहीं करते होंगे? अब उनके द्वारा बीते कॉर्पोरेट वेबिनार में किए गए अनाउंसमेंट को ही देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहे थे कि ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं दिसंबर में ही करने वाला था, बट ये सोचकर मैंने इसके लिए और एक महीने का समय देना मुनासिब समझा, ताकि अधिक से अधिक लोग फर्स्ट राउंड में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले ट्रैफिक एंड कमीशन का लाभ लेने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकें। लेकिन यह 16 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, हम 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे, यह सारा कुछ 16 जनवरी के बाद होना शुरू हो जाएगा। इससे सभी को यही लगा था कि चलो फर्स्ट ऑफ जनवरी को तो हम नए साल का जश्न नहीं मना सकें, बट लास्ट जनवरी तक भी हम जरूर जश्न मना सकेंगे नए साल के आगमन का एंड अपनी सफलता के शुरुआत होने का। आगे जनवरी लास्ट तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी को पता होगा। दोस्त, मैंने इस बारे में खुलकर जिक्र किया था अपने कल के वीडियो में कि हो सकता है यह सारा कुछ सीईओ मिस्टर एस के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट हो। किसी चीज के होने का अनाउंसमेंट कर देना एंड तय समय पे कुछ नहीं होना, हो सकता है यह भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो। अब कैसे क्या है, बस थोड़ा और इंतजार कर लें, बस अब पर्दा उठने भर का देर है, सारे परिदृश्य प्रत्यक्ष हमारे सामने होंगे, और अब अधिक देर भी लगने का कोई सवाल कहां उठता है। जो काम बीते दिसंबर में ही शुरू करने वाले थे सीईओ मिस्टर एस, वह अगर जनवरी में भी शुरू नहीं हो सका तो उसके इस फरवरी मंथ में तो शुरू हो जाने का उम्मीद हम कर ही सकते हैं। मुझे लगता है कि फरवरी मध्य के बाद से पिक्चर कुछ और होगा ऑन पैसिव का, हो सकता है पूरा का पूरा पिक्चर ही बदल जाए इस मंथ में और वो सब कुछ होना शुरू हो जाए जिसके इंतजार हम सालों से करते आ रहे हैं। अब तो जो लास्ट 10 दिनों का टाइम एक्सटेंशन हुआ है वो भी खत्म होने वाला है, कुछ ना कुछ तो जरूर बहुत बड़ा होने वाला है, तभी हर तरफ खामोशियां छाई हुई हैं, बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ है। यह एक तरह से रियली संकेत है किसी बहुत बड़े तूफान के आने का, जो खुशी के मारे झुमा के रख दे हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को। सभी को काफी बेसब्री से एस बम के घोषणा होने का इंतजार है ही, जिसे बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। अब उस एस बम का घोषणा किन चीजों से रिलेटेड होगा यह शायद किसी को भी पता नहीं होगा, एक सीईओ मिस्टर एस को छोड़कर। आज विनेश डे है और यह लगभग सभी को पता है कि हर हफ्ते आज के दिन OP360 वेबिनार होता है, जिसमें कभी कभी सीईओ मिस्टर एस भी शिरकत करते हैं। हो सकता है आज के OP360 में भी मिस्टर एस के द्वारा कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज मिले हमें, और अगर 360 में मिस्टर एस के द्वारा कोई न्यू अपडेट्स नहीं भी मिल सका तो यह निश्चित मानकर चलें कि इस वीक से नेक्स्ट वीक तक में किसी न किसी इंटरनेशनल वेबिनार या हो सकता है कॉर्पोरेट वेबिनार के माध्यम से हमें जरूर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे दें सीईओ मिस्टर एस। दोस्त, किसी भी बात को लेकर अधिक परेशान होने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब मिला जुलाकर अगर हम देखें तो हम काफी करीब हैं अपनी मंजिल के, अपनी सफलता के शुरू होने के। मुझे पूरा उम्मीद है कि एक आध हफ्ते बीतते बीतते सारे पेंडिंग विड्रॉल के भुगतान हो जाएंगे और उसी के साथ या उसके जस्ट बाद बोनस मिलने एंड ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन होने और कमीशन मिलने भी शुरू हो जाएंगे। सफलता मिलने तक हम सभी अपना धैर्य बनाए रखें, उस सब कुछ मिलेगा हमें ऑन पैसिव से जिसके लिए इंतजार किया है हमने। बहुत जल्द हमारे जीवन की सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें, सारे समस्याएं, हमारा गरीबी, ये सारे के सारे दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे और हम एक शानदार लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे। बहुत सारा कुछ होने वाला है, बहुत सारा कुछ आने वाला है और बहुत सारा कुछ मिलने वाला है, बस जरूरत है हमें और थोड़ा सा इंतजार कर लेने की। पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे गुनगुनाते रहने का कुछ भी फायदा नहीं होता। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, सबसे अधिक उस पर ध्यान देने की जरूरत है हमें। थोड़ा देर हो जाने से क्या हुआ, जितने बड़े सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने की हम राह देख रहे हैं और जो मिलने जा रहा है हमें, वह दुनिया में कहां नसीब होता है सबको। दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों के ही किस्मत में होता है उतने बड़े सक्सेस और अचीवमेंट का मिलना, पूरी तरह से उनके जिंदगी का बदलना और उनके जीवन के सारे सोचे सपनों का पूरा होना एंड उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना। यह ईश्वरीय कृपा है हम पर जो हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं ऑन पैसिव के। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।